नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कॉल मिल रहे हैं कि सर BHU कन्वोकेशन 2023 जो है क्या एफिलेटेड को अलग ही सेलिब्रेट करना है। तो मैं आपको एक बात बताया था कि आप लोग अपने प्रिंसिपल से एक बार बात करें, लेकिन अब आप चाहते हो कि इस पर कुछ समाधान निकले। ठीक है, मैं इस पूरे मुद्दे के लिए बात करने के लिए आज आया था जो इस पूरे कन्वोकेशन को अलग तरह से हैंडल कर रहे हैं, जिसके अंडर में सब चीज़ें हो रही हैं। बात करने से एक बात तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन के तौर पे मुझे नज़र आ रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि एफिलेटेड वालों का कन्वोकेशन FMC में हो सकता है। अभी भी ये पॉसिबिलिटीज़ है। सो फाइनली मैं आप सभी से एक पूरा एक स्टोरी सुनाता हूँ और कुछ उसमें सपोर्ट सहयोग की बात करूँगा जो आप लोग करना, और मुझे लगता है कि ये 80% से ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी भी एफिलेटेड वालों का कन्वोकेशन मेन कैंपस में हो सकता है। सच में बड़ा सरप्राइजिंग बात है। आपको लगेगा कि सर ये तो पूरा एक तरह से नोटिस के तौर पे हमें देखने को मिल चुका है, फिर आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मैं बात किया और मुझे लग रहा है कि हम लोग को इसमें कुछ करना पड़ेगा। बस अब करना क्या है, इस बात पे हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो कल की डेट में मैं एक VC साहब को एक लेटर लिखता हूँ, जिससे कि उन्हें बात समझ में आ जाए कि हाँ बच्चों को समस्या है, बच्चे ये चाहते हैं कि कन्वोकेशन FMC में ही हो, एफिलेटेड वालों को अलग ना किया जाए। तो इस पूरे मामले के लिए मैं पूरा एक ड्राफ्ट रेडी करूँगा, VC साहब को मैं उनके पर्सनल मेल पे मेल कर दूंगा। साथ ही साथ जो हमारे रजिस्ट्रार हैं मैं उनको भी वो एक यहाँ पे लाके ड्राफ्ट दे देता हूँ, एक एप्लीकेशन दे देता हूँ, एक ज्ञापन सौंप देता हूँ, और जो हमारे VC साहब हैं उनके यहाँ ऑफिस में भी वो मैं एप्लीकेशन रख दूंगा। जरूरत पड़ेगा तो मैं 5-6 लोग को बुला लूँगा। खैर, मुद्दा हमारा ये है कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और समस्याओं का जो विवरण है, जो विश्लेषण है, जो एनालिसिस है, वो बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से लिखा रहना चाहिए। मैं पूरे पॉइंट्स को बहुत पहले से माइंड में लेके चला हूँ कि हाँ मुझे इस तरीके से ड्राफ्ट रेडी करना है। तो फाइनली आज रात में मैं ड्राफ्ट रेडी कर लूँगा। कल 11-12 बजे के आसपास मैं आपको वो एप्लीकेशन देते हुए आप सभी को मैं अवगत भी करा दूँगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल में ऑनलाइन में आपका सहयोग चाहिए, ऑनलाइन सपोर्ट में सहयोग चाहिए। वो कैसे करना है, आप सभी लोग क्या करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लो। खैर, उस ग्रुप को ज्वाइन करने का बहुत सारा फ़ायदा भी है। कन्वोकेशन में हम लोग बहुत सारे जो पिक्चर्स होंगे, जो पिक्स होंगे, वो भी आपको शेयर कर देंगे। और साथ ही साथ अभी करंट में जो हमारी मांग है, उस मांग के लिए जो ट्विटर कंपेनिंग चलेगा, उसमें एक साथ सैकड़ों बच्चे जब उसको रिट्वीट मारेंगे तो क्या होगा कि वो VC साहब के होम पेज पर नज़र आएगा। तो कहीं ना कहीं कन्वोकेशन कमेटी है वो हमारे इस मैटर को क्या करेगी, कंसिडर करेगी। और हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में, 5 दिनों में, 6 दिनों पे हमें फाइनली एक सोल्यूशन मिल जाए कि हाँ फाइनली एफिलेटेड का जो कन्वोकेशन है वो होने जा रहा है कहाँ पे, FMC में। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आई है, तभी मैं इतना इसमें कार आगे आना चाह रहा हूँ। नहीं तो मुझे अगर पता होता कि नहीं फाइनल डिसीजन है तो शायद मैं एक बार सोचता कि चलो ठीक है, अब इसमें बात करने का कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है, तो इस बार पॉसिबिलिटीज़ है तो कहीं ना कहीं हमें इस पर आवाज़ उठाना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। और मैं हमेशा से एफिलेटेड वालों के लिए, पहले भी बहुत सारे उनके फीस के लिए, उनके हॉस्टल रेजिडेंस के लिए, कई सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए मैंने वीडियोस डाले हैं, आवाज़ उठाने की कोशिश भी की है। सो फाइनली ये एक डिग्री उनके भले की डिग्री के लिए है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं वो इंडिस्पेंसेबल, ठीक है, हम लोग चाहेंगे कि आप लोग इसमें प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है, और अभी तो आज मेरा एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम दे के निकला तो मैं जस्ट बात किया तो मुझे पता चला, तो मैं आपको को अपडेट दे देता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को हर एक एफिलेटेड बच्चा जो है शेयर जरूर करेगा, अपने स्टेटस पे लगाएगा, क्योंकि काम ऐसा करो ना जिसमें दम हो। मतलब मैं मीडिया एडवर्टाइजमेंट के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इसमें ये काम पहली बात तो बहुत ही लॉजिकली सही है, मतलब कि भाई कन्वोकेशन हमारा मेन कैंपस में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कन्वोकेशन मेन कैंपस में हो रहा है तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन एफिलेटेड का भी मेन कैंपस में ही होना चाहिए। ये तो लॉजिकली, मतलब इसमें मैं चाहता हूँ कि चीज़ें कभी, क्योंकि गलत लग रहा है, मुझे बहुत गलत लग रहा है कि बच्चे को एक बार अंत में मौका मिलता है, एक मौका मिलता है अपने इमोशंस, अपने भावनाओं, अपने उस लाइफ टाइम अचीवमेंट को शो करने के लिए, और वो भी आप अगर छीन ले रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप लोग अपना समर्थन दें और हर कोई वो ग्रुप ज्वाइन करें, और मैं जब ट्विटर कंपेनिंग का लिंक दूंगा तो आप सभी लोग एक साथ जाकर रिट्वीट मारें, ये दम दिखा दीजिए कि हाँ हज़ारों बच्चे जो हैं इस पर्टिकुलर आपके डिसीजन से नाखुश हैं और वो इसको नापसंद कर रहे हैं, और हम इसके लिए रजामंद नहीं हैं। आप सभी लोग हमारी जो भी मांगे हैं उसकी उसको पूरा किया जाए और हमारा कन्वोकेशन जो है वो मेन कैंपस में हो। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ एवरीवन डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब, अपने स्टेटस पर जरूर लगाइएगा, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।